पर मेरे पास इससे भी अच्छी है। मैं अपनी साइकिल लगा दी और अंकल ने, मैं कितने लंबे अंकल है, अपनी स्कूटी ठोक दी थी मेरी साइकिल के अंदर। मैं आज साइकिलिंग करते हुए जाऊंगा, पहले जाऊंगा बड़ी चौपड़ मतलब लास्ट जो स्टॉप होगा वो डिकैथलॉन जा रहा हूँ। डिकैथलॉन मॉल है यहाँ पे, जहाँ पे स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें मिलती है रीजनेबल प्राइस में। डब्ल्यू टी पी से डिकैथलॉन 25-30 किलोमीटर साइकिल चला के जाऊँगा मैं। 25-30 किलोमीटर देखो तुम, सारा तो नहीं दिखाऊँगा, आगे थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगा। सामान है, ये हेलमेट है साइकिल का, ये मास्क लेके जाऊँगा और ये बैग, इसके अंदर पानी वानी अपना खाना पीना का कुछ रख लेंगे। वो टोपी मेरी, ये मेरी घड़ी है, चाहते हैं भाई। एक बात हो, ये जो मैंने बाल बनाए हैं ये बेकार लग रहे हैं नहीं लग रहे। अच्छा ये मेरी मम्मी ये बोल रही कि ये बाल बेकार लग रहे हैं। मेरे अच्छे हैं, बहुत खाने पीने का भी रख लेता हूँ। टोपी लगा के सब मैं तैयार हो गया, हेलमेट भी लगा लिया, अब मैं जा रहा हूँ। पहले फुर्सत में तू निकल। मैं ना वीडियो बना रहा था, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं थी। ये प्राणी है ना, हर बार बीच में बोलता है। ये आमेर महल, अंबर फोर्ट, ये है माउठा, इसको माउठा बोलते हैं। आमेर महल के नीचे और वो ऊपर है नाहरगढ़, जो आमेर के ऊपर दिख रहा है वो पीछे जयगढ़। अभी आगे घाटी आएगी कन्ना घाटी। यहाँ पे गेट बना हुआ है पहले का राजा महाराजा था, ये आमेर इंटरिंग है, ये ब्रिज बना हुआ है, ये जयपुर टूरिज्म का मैप लगा हुआ है यहाँ पर। ये सामने सारी कनक घाटी है, कनक घाटी के अंदर पर ओनली कपल्स अलाउड है, मैं नहीं जा सकता। वो सामने जल महल है, ये रात को बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि सामने पूरे जयपुर सिटी है, इसलिए ये खड़ी मेरी रोड़ियो। मजा आता साइकिल पे भी, कनक घाटी। इसके अंदर जाऊंगा तो सिरी में, क्योंकि इसके अंदर कपल्स अलाउड है, मेरे को पता है मुझे बाहर भेज देंगे गार्ड्स, बट एक बार जाके तो देखूंगा। पता नहीं साला ऐसा क्या करते हैं कि ओनली कपल्स अलाउड है। मैं अपने हाथ छोड़ रहा हूँ साइकिल पे से, छोड़ दिए। अभी जल महल आने वाला है। अभी बड़ी चौपड़ तो पहुंच गया मैं, बड़ी चौपड़ की निशानी तुम लोगों को पता ही है, ऊपर हवा महल अपना। और ये बड़ी चौपड़ का मार्केट, इतना ट्रैफिक दिख ही जाता है, इतना ही ट्रैफिक रहेगा, हर जगह पुलिस वाले लगे हुए हैं। अभी मैं जाऊंगा आगे, अभी मैं कम से कम आ गया 15-20 किलोमीटर, अभी आगे और जाना है 10-15 किलोमीटर और। ये रही अपनी रोडियो, आज मैं रोडियो ही लेके आया था। ठीक है, अब आगे का आगे बताऊँगा। अभी हम आ गए रामनिवास बाग जयपुर, अभी आगे हेलमेट खुलाएगा, मज़ा आ गया। बाकी साइकिल चलाने में सिटी के अंदर अलग मज़ा है, गाड़ियों के बीच में से जब साइकिल निकलती है तो एक अलग मज़ा आता है, सब पीछे खड़े रहते हैं बत्ती के ऊपर, ट्रैफिक लाइट के ऊपर, मैं से अकेला निकल के आया था, अलग फीलिंग आती है। ठीक है, अब आगे चलता हूँ। ये जगह है, उसका नाम है रामनिवास बाग। और अभी मैं पीछे से आ रहा था, मैंने कबूतरों की क्लिप भी अभी जो दिखाई है उसके अंदर हुआ क्या है कि पीछे एक दो कबूतर थे
जो मतलब घायल थे और थोड़े मरने वाली हालत में थे, तो गाड़ी उसके ऊपर से गई और वो कबूतर मर गया। तो अगर आपको किसी को भी जयपुर के अंदर ऐसे घायल या घायल कबूतर या जख्मी कोई भी कबूतर, पक्षी, चिड़िया वगैरह, जानवर वगैरह दिखे, तो एक ग्रुप है जयपुर के अंदर रक्षा करके, रक्षा जयपुर करके, वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा व्लॉग के अंदर। आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनका पूरी तरह इलाज करेंगे, वो इनको रखेंगे, इनका ख्याल रखेंगे, आप इनको ऐसे मरने ना दें। अगर आपको कहीं भी मिलता है तो प्रकृति को बताना, बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ह्यूमंस को बचाना है। जैसे कोरोना से सबको बचाया डॉक्टर्स वगैरह, तो इनको भी बचाना जरूरी है। तो आप इनके लिए भी काम करो। आपको जयपुर के अंदर कहीं भी मिले, आप रक्षा पे कॉन्टैक्ट करो, आपको वो उनको रखेंगे, वो उनका इलाज भी करेंगे, ऑपरेशन वगैरह सब करते हैं वो। कोई भी पक्षी एक्स वाई जेड, कौवा, कबूतर, कोई भी मिले तो आप प्लीज़ एक बार उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। ये अल्बर्ट हॉल है, लाइट थोड़ी कम आ रही होगी पर ये सामने अल्बर्ट हॉल है। ये जयपुर के अंदर म्यूजियम है, ये रामनिवास बाग के अंदर है। और उस साइड पहले वो जहाँ पे वो लोग खड़े हैं वो पहले चिड़ियाघर वगैरह थे। अब तो चिड़ियाघर, बड़ा चिड़ियाघर तो शिफ्ट कर दिया नारगढ़ पे, उसका भी सारे कबूतर उड़ा दिए दीदी ने, बेचारे आराम से बैठे थे। फोटो खींचने के चक्कर में यार तुम इनको परेशान मत किया करो। वैसे यहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता है, इनको थोड़ी बहुत जगह मिलती है, उसमें भी लोग फोटोज़ वगैरह खिंचाने के लिए इनको परेशान करने आ जाते हैं यहाँ पर। ये जेएलएन मार गई है, जाएगा अब WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क, इसके बारे में तो सबने सुना ही होगा। सीधा सीधा जाएगा, सीधा सीधा सीधा, अभी अल्बर्ट हॉल से 7 किलोमीटर है। आज इतने किलोमीटर साइकिल चला ली, सिटी के अंदर पता नहीं चलता, हाईवे के ऊपर ज़्यादा पता चलता है, बस बात इतनी है। बट एज यू ऑल नो आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं कितनी भी चला। अभी पीछे मरते मरते बचाऊँ, पीछे बत्ती आई थी, मतलब रेड लाइट थी, और रेड लाइट के बाद में जब वो ग्रीन हुई तो मतलब ऐसा सीन था, मैं भगा के निकल रहा था, क्योंकि साइकिल पे आऊँ ना तो वो पीछे से फिर ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए मैं भगा के निकल रहा था। इस साइड आया, ये देखो ये पीछे बस्ती के बच्चे, ये रोड दिख रही है ना पीछे, इसके ऊपर ये बच्चे जो बच्चे वो देखो पतंग उड़ा रहे थे, मंजा इधर से गया, कट जाती नाड़। अब मैं इसको पूरा बंद कर लेता हूँ। मैं हुड्डी पहन के आ रहा था पहले, बट गर्मी के कारण नहीं पहन के आया, बच गया भाई, वरना चीज़ का मज़ा है। अब मैं निकल जाऊँगा इन सबसे पहले, आगे बत्ती हो रखी है लाल, बिरला टेम्पल, और ये ऊपर है बिरला टेम्पल वाला महल। ये महल अभी बंद है, और ये बिरला टेम्पल तो खुला है पर महल बंद है। यहाँ मैं आया था लास्ट टाइम 9th क्लास में, स्कूल वाले पिकनिक लेके आए थे, उसके बाद में नहीं आया। टूट भी है पूरा मोर, पर अभी मेरे को और आगे जाना है, डिकैथलॉन जाना है मेरे को, डिकैथलॉन मॉल, अभी मैं वहाँ जाऊँगा। ये पत्रिका गेट, पत्रिका गेट कितने लंबे अंकल है। अभी मैं हूँ पत्रिका गेट जयपुर सेक्टर 8। अभी यहाँ से घूम के जाऊँगा डिकैथलॉन, ये सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल है, देख लो दिख भी नहीं रहा सर्कल कहाँ पे, कहाँ से निकलता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। फिर जाऊँगा डिकैथलॉन, आते में आऊँगा पत्रिका गेट के अंदर, ऊपर आते में आऊँगा। ये एक भैया मेरी स्कूटी, अपनी स्कूटी ठोक देते, मेरी नहीं अपनी स्कूटी ठोक देते मेरी साइकिल के अंदर। ओह माय गॉड, पीछे लव बर्ड्स बैठे हैं, मैं नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, लाल थार प्यार। 10 right towards National Highway 21, National Highway 248, then turn left onto National Highway 21. रुक जा। भाई एक तो ये गूगल, यहाँ पे मैंने अपनी साइकिल लगा दी और अंकल ने मेरे से पैसे भी नहीं लिए, बोले तू ऐसे लगा दे साइकिल का क्या ही पैसे लूंगा। थैंक यू अंकल। चलो भाई अभी चलता हूँ मैं। डिकैथलॉन रख दिया है, हेलमेट साथ में ले जाना पड़ेगा, इन्होंने बोला है कि हेलमेट साथ में लो। ये बैग आते हैं 199, ये वाला मेरे पास पहले से है, साइकिल खड़ी है यहाँ पर मेरे पास इससे भी अच्छी है, मेरे पास रोडियो है।
मेरे को चाहिए था ट्रैकिंग के लिए कुछ सामान और साइकिलिंग के लिए साइकिलिंग के हेलमेट्स पड़े हैं, हेलमेट मेरे पास ऑलरेडी है, इतना अच्छा यहीं से लिया हुआ है, बैग भी यहीं से, बोतल किसी को भी सामान चाहिए यहाँ से आके लिया करो, 99 रुपये में इतनी मस्त मस्त बोतलें यहाँ पे, सारी चीज़ें यहाँ पे, हर आइटम अच्छा मिलता है। बोतल ले लूँगा, एक बोतल लूँगा चाहिए, मैं ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल लेके आ जाता हूँ घर से, फिर वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए एक बोतल लूँगा। मैं डिकैथलॉन जाके आ गया, कुछ नहीं छोटा मोटा सामान लिया है, अभी ये खड़ी अपनी रोडियो,